कक्षा 10 चैप्टर 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि यदि हमें दो पूर्णांक दिए हों, पूर्णांक यानी चाहे प्लस चाहे माइनस का नंबर हो चाहे जीरो हो, तो ऐसे अगर दो नंबर दिए हों ए और बी, तो एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, यानी उनके लिए दो संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार से विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। आई रिपीट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के, ये जो नीचे लाइन है ये बराबर की है, जीरो आर जो है ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह बी से हमेशा छोटा होगा। इसे हम एक उदाहरण के हिसाब से उदाहरण के साथ समझेंगे। ये बहुत आसान है, पढ़ने में मुश्किल लग रहा है। जैसा कि यहां एक उदाहरण है बच्चों, इसमें हमने 13 को 5 से भाग किया। देखिए 13 को 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 3। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी चीज क्या है। जो 13 है जिसको भाग किया गया उसे हम कहते हैं भाज्य, और उसे यहां पर ए के साथ डिनोट किया गया। 13 जिसको भाग किया गया उसको कहते हैं भाज्य, उसको ए से डिनोट किया गया। जिस पहाड़े पर भाग की गई, जिससे भाग किया गया, उसको कहते हैं भाजक, वो है 5 यहां पर, और इसे बी से डिनोट किया गया। इसी प्रकार से भाग करने पर हमें भागफल मिला 2, इसे जो है, ये जो है 2, इसे कहते हैं भागफल क्यू। और इसी प्रकार से जो हमारे पास शेष बच गया, बाकी बच गया, उसे कहते हैं शेषफल, यानी कि आर। दोबारा ये जो भाजक है इसे बोला गया भाज्य ए, जो 5 से भाग किया तो भाजक बी, 2 भागफल आया है और 3 जो है शेषफल आया है। तो अब आप ध्यान से देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है भाज्य यानी 13 बराबर बी है भाजक यानी 5 गुना क्यू है भागफल यानी 2 प्लस आर शेषफल है 3। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 प्लस 3 13, यानी कि जिस भी नंबर को भाग किया जाता है उसको एक तरफ रखें, ये किसके बराबर आएगा, इस भाजक को भागफल के साथ गुना कर दो 5 दूनी 10, और उसमें शेषफल को प्लस कर दो प्लस 3। तो भाजक को भागफल के साथ गुना कर दो, बाकी जो शेषफल है वो उसमें प्लस कर दो, तो यह किसके बराबर आएगा, भाज्य के बराबर आएगा। ये सिंपल सी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसे एक बार दोबारा देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है जिकी जी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, यानी भाज्य बराबर होगा भाजक और भागफल के गुणन के बराबर, और उसमें हम प्लस कर देंगे शेषफल। तो ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ये है बहुत आसान। यहां एक बात और याद रखना, ये जो शेषफल है यह हमेशा ये जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी हो, जीरो से सॉरी छोट हाँ जीरो से बड़ा भी हो, हाँ जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा इस भाजक से छोटा होगा। ठीक है, आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहां 17 को 4 से भाग किया तो 4 चौके 16, बाकी बचा 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है यहां पे भाज्य यानी 17 बराबर बी है 4 गुना क्यू है ये वाला भागफल 4 प्लस 1, 4 चौके 16 प्लस 1 17। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 45 को 6 से भाग किया तो 6 सते 42, बाकी बचा 3। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम हल करके देखते हैं। देखिए ए है यानी 45 जिसको जो भाजक है भाज्य है सॉरी बराबर बी, बी है ये वाला 6
इंटू क्यू, क्यू है ये वाला भागफल सात, प्लस आर, आर है ये वाला शेषफल तीन। तो देखिए छह सत्ते बयालीस प्लस तीन, और यहां पर लिखा है पैंतालीस, पैंतालीस बराबर बयालीस और तीन होता है पैंतालीस, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सत्य है। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से पढ़ना और हमेशा अपने माइंड में रखना। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।